खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने जुमान में रखे। आज मैं आपके लिए झटपट से बन जाने वाली चिकन ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी से बन जाती है, बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह भी दे सकते हैं और खुद जो है टी टाइम पे भी खा सकते हैं। चलिए हम लोग फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने जो है पैन में ऑयल ले लिया है 2 टेबल स्पून। अच्छा, चिकन मेरे पास जो है समझे आधा कप जो मेरे पास चिकन है, इसके मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स काट लिए हैं। तो ये देखिए, बस हमने इसको अभी थोड़ी देर ही पकाया है, फिर इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसके साथ पकाऊंगी। अच्छा, आपको चिकन की जो है, क्योंकि हम ये ब्रेड पे बना रहे हैं तो आपको पता है ब्रेड पिज़्ज़ा जो है वो स्मॉल सा ही होता है, तो हमने इसलिए चिकन के देखे आप छोटे छोटे से पीस किए हैं, तो आप इसी साइज़ के रखिएगा तो बनाना भी आसान होंगे और उसको हैंडल करना भी पिज़्ज़ा को। तो देखिए लहसुन अदरक के साथ जो है चिकन हमारे अच्छे से फ्राई हो गए, बहुत मज़ेदार से खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जो है चिली सॉस का शामिल करूँगी और 1 टीस्पून ही मैं इसमें सोया सॉस का, और उनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, अब हम इसको चिकन को अपनी अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर जो है टिक्का मीठी मसाला डाल रही हूँ, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। साथ ही मैं इसमें थोड़ा पानी भी डाल दूँगी 1 से 2 टेबल स्पून, ताकि ये इसके साथ मिक्स होके अच्छे से चिकन हमारी गल जाए। इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, ना काली मिर्च ना लाल कुटी मिर्च, इसलिए कि हम इसको टिक्का मीठी का फ्लेवर दे रहे हैं अपने पिज़्ज़े को। तो हम इसे इसी में कुक करेंगे और हम इतनी देर पकाएंगे ताकि चिकन हमारी गल जाए। तो ये देखिए, चिकन भी हमारे बन के तैयार हो चुकी है पिज़्ज़ा की। अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे। चिकन हमारी तैयार है, वेजिटेबल्स भी मैंने कट करके रखी हुई है। अब हम स्लाइस लेंगे इसको। अच्छा, मेरे पास कटर है, उसका साइज़ छोटा है, तो ये देखें हम इतना बड़ा एटलीस्ट कटर लें जो जिससे भी हम काट रहे हैं इसके, या तो जो है देखें आप किनारे तेज होने चाहिए ताकि स्लाइस हमारा पूरा उसमें कवर हो जाए। तो ये देखें, ये अच्छा बड़ा स्लाइस का जो है बन जाएगा। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब ये देखें हमारे पास जितने हमने बनाने हैं स्लाइस, जितना हमारे पास मटेरियल है उस हिसाब से हम जो है इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने कटिंग करके रख ली है स्लाइसेस की। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको असेंबल किस तरीके से करना है। अब मैंने एक बड़ा नॉन स्टिक पैन ले लिया है, इसमें मैं जितने ये जो हमारे पिज़्ज़ा स्लाइस हैं इनको ईजिली आ जाएंगी, तो हम ये रख लेते हैं। अभी मैं इस वक्त में जो है एक वक्त में इसमें 4 रख रही हूँ। मैं इस पर अब जो है लगा रही हूँ, सब में पहले गार्लिक सॉस लगाऊंगी। आपके पास अगर हरी चटनी है आप वो भी लगा सकते हैं, और पिज़्ज़ा सॉस है तो वो भी आप लगा सकते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से जो सामान आपके पास घर में मौजूद हो उससे जो है ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना सिखा रही हूँ। ये मुश्किल भी नहीं है, झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। और अगर आपके पास चिकन भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप सिर्फ वेजिटेबल्स के बना सकते हैं। अब मैं इस पर वेजिटेबल्स रख लूँगी। अच्छा, ये देखें मैंने जो है शिमला मिर्च काटी थी, मैंने इसके बहुत छोटे छोटे से पीसेस किए हैं अपने ब्रेड के हिसाब से, ठीक है। टमाटर के भी इसी तरीके से मैंने बीज निकाल दिए थे, ये देखें, और मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर लिया था ताकि हमारे ब्रेड स्लाइस पे जो है हमारी तमाम वेजिटेबल्स चिकन ईजिली आ सकें। तो ये हम इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। अब मैं इस पर चिकन भी रख देती हूँ। लग रहे हैं ना कितने मज़ेदार किस्म के हमारे पिज़्ज़ा ये। ये मेरे पास ऑलिव्स भी हैं, ये मैं 2 अदद रख रही हूँ, बस इसके लिए काफ़ी है, इनफ है। अब हम इसके ऊपर चीज़ रख देंगे। चीज़ आपकी मर्ज़ी है, आपके पास जितनी मौजूद हो वो आप इसमें लगाएं, उतने ही मज़ेदार और चीज़ी बनेंगे हमारे पिज़्ज़ा। ये देखिए मेरे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मौजूद हैं, तो मैं इस पर खूब ढेर सारी सी चीज़ लगा दूँगी। अब मैं इसमें सेंटर में एक और ऑलिव रखूँगी, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर जो है चिली फ्लेक्स डालूँगी और थोड़ा सा ओरिगानो जो है ये स्प्रिंकल करूँगी। बस देखें हमारा पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल तैयार है। इसी तरह मैं बाकी पिज़्ज़ा भी तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए, हमने तमाम जो है चारों पिज़्ज़ा की जो है असेंबलिंग कर दी है। अब हम इसको कवर कर देते हैं और मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रख रही हूँ इतनी देर के लिए कि चीज़ हमारी मेल्ट हो जाए और मज़ेदार किस्म के हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार हो जाए। तो ये देखिए बेहतरीन किस्म का हमारा चिकन ब्रेड पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया आपके सामने, ये देखें। और मैं आपको ये पीछे से भी दिखा देती हूँ, ये गर्म बहुत हो रहा है, ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारी ब्रेड भी बिल्कुल भी ना तो कड़क हुई है और ना ही ख़राब हुई है, और बेहतरीन किस्म का हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। और देखें कितना चीज़ी सा बना है, तो आप भी बनाएं। और ये ध्यान आपने रखना है कि इस पर वेजिटेबल्स जो जानी है उनकी कटिंग भी आपने छोटी करनी है और चिकन की भी, ताकि तमाम सामान जो है पिज़्ज़े पर अच्छे तरीके से आ जाए। तो बस आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।